हेलो फ्रेंड, मेडिकल टूर में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो मैंने लास्ट वीडियो में मैंने बताया था दोस्तों कि जो रेलवे में पैरामेडिकल्स कैटेगरीज के एग्ज़ाम होगा कब होना है, तो बहुत सारे दोस्तों को समझ में नहीं आ रहा है कि कब डाउनलोड करना है एडमिट कार्ड कब शहर। तो चलिए मैं इसको बताता हूँ आपको हिंदी में फ्रेंड्स। तो यहाँ देखिए, मैंने बिलासपुर के RRB जोन को ओपन किया है और यहाँ हिंदी पे आ गया हूँ। और केंद्रीय रोजगार सूचना संख्या 02/2019, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद दोस्तों देखिए, परीक्षा विवरण एवं ई कॉल लेटर की सूचना 4/7/2019 को इन्होंने किया था, तो इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो ये यहाँ डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक कर लेता हूँ, यहाँ डाउनलोड कर लेता हूँ। अब इसको फाइल को ओपन करते हैं फ्रेंड। ये फ्रेंड्स हमारा PDF ओपन हो चुका है, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ भारतीय सरकार रेल मंत्रालय भर्ती बोर्ड और जो केंद्रीय रोजगार सूचना 02/2019 जो पैरामेडिकल के लिए है और पैरामेडिकल कोटियों के विभिन्न पदों के लिए भर्ती परीक्षा विवरण व ई कॉल लेटर का सूचना। फ्रेंड्स जितने भी कैटेगरीज के आप भरे हैं उसमें से पैरामेडिकल कैटेगरीज के किसी भी पोस्ट पे आप भरे हैं सभी के लिए यह सूचना है। तो चलिए दोस्तों इसमें बताते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहला सूचना जो है परीक्षा और ई कॉल डाउनलोड करने की तारीख। तो फ्रेंड्स जो कंप्यूटर आधारित CBT की तारीख है वह 19/7/2019, 20/7/2019 और 21/7/2019, ये 3 दिनों में परीक्षा होना है और इसी 3 दिनों में सभी कैटेगरीज के एग्ज़ाम हो जाएंगे फ्रेंड्स। इसलिए तो आप घबराने की ज़रूरत नहीं है, 19, 20, 21 ये तीनों में से किसी भी दिन आपका एग्ज़ाम हो सकता है। अब दूसरा है परीक्षा शहर और तारीख की सूचना देखना, लिंक शीघ्र ही रेल भर्ती की आधिकारिक वेबसाइट में प्रकाशित किया जाएगा। उम्मीदवारों को उनके अपने आवेदन पत्र में दिए गए पंजीकृत मोबाइल और ईमेल आईडी के माध्यम से भी सूचित किया जाएगा। और इसका परीक्षा शहर और परीक्षा तारीख की सूचना देखने के लिए आपको फ्रेंड्स 9/7/2019 अर्थात अभी आने वाले 2 दिनों में आपको इसका लिंक मिल जाएगा वेबसाइट्स पे। तो वहाँ आप अपना नंबर और जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको डालकर अपना परीक्षा की शहर और तारीख देख सकते हैं फ्रेंड्स। इसके बाद जो ST और SC कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने मतलब रेलवे पास के ऑप्शन पे S टिक किया था, उनको यह रेलवे पास डाउनलोड कर सकेंगे। ये भी 9/7/2019 को यह लिंक जारी किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों चौथा है मॉक टेस्ट लिंक। तो मॉक टेस्ट भी 9/7/2019 से इसका प्रारंभ हो जाएगा, इसका भी एक लिंक जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों पांचवा है ई कॉल लेटर, जो सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मेरे से यही किया जाता है कि हेल्थ मरीज इंस्पेक्टर लैब असिस्टेंट सबका कब से डाउनलोड होगा। तो फ्रेंड्स आप जब 9 तारीख को अपना परीक्षा का डेट देख लेंगे तो उसके 4 दिन पहले आपको मिल जाएगा, उसका डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन मिलेगा फ्रेंड्स। तो इसको आप टेंशन ना लें, जिस दिन आपकी परीक्षा होगी उससे 4 दिन पहले आपको ई कॉल लेटर डाउनलोड कर सकेंगे, उसका लिंक आ जाएगा फ्रेंड्स। तो इसके बाद अब नीचे देखते हैं कि उम्मीदवार परीक्षा शहर तिथि तथा यात्रा पास के लिए डाउनलोड करना और ई कॉल लेटर देखने के लिए RRB के आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराए गए लिंक के माध्यम से अपनी क्रेडेंशियल के साथ लॉगिन कर सकते हैं। आवेदन की जो स्थिति है वह 7/6/2019 को रेल भर्ती की आधिकारिक वेबसाइट पर डाला जा चुका है दोस्तों, जिसमें काफ़ी सारे लोग ने उसको देख भी लिया है। और CBT परीक्षा की जो प्रणाली है उसको बता देते हैं। तो जो CBT का समय है वह 90 मिनट्स का है, 90 मिनट का। और जो PWD उम्मीदवार फिजिकल हैंडीकैप जो होते हैं उनके लिए 2 घंटे अर्थात 120 मिनट्स रहेंगे और टोटल प्रश्नों की संख्या 100 रहेंगे। और जो खंडवार है फ्रेंड्स, खंडवार तो इसके पैरा में दिया गया है जो 70 हमारे जो सिलेबस हैं उनके आधार पे, मतलब 70 जो हमारा प्रोफेशन है उसका, और इसके बाद बाकी अदर जो 30 है जिसमें रीजनिंग, जनरल नॉलेज और इत्यादि, जनरल साइंस इत्यादि बहुत सारे हैं जिसको आप देख सकते हैं जो इसके दिया हुआ है सिलेबस उसमें। और प्रश्नों का जो प्रकार है फ्रेंड्स वो बहुविकल्पी या MCQs रहेंगे और नकारात्मक अंक का A1/3 पार अर्थात 0.33 नंबर कटेंगे अगर गलत आपने दिया है। और इसका जो पाठ्यक्रम है सिलेबस है वो आप अनुबंध C में प्रकाशित देख सकते हैं अधिसूचना। और दोस्तों महत्वपूर्ण यह है कि उम्मीदवार को मूल पहचान पत्र, ई कॉल लेटर और पासपोर्ट साइज रंगीन फ़ोटो लेकर आना है। पहचान पत्र की फ़ोटो कॉपी, जीरोक्स कॉपी या लेमिनेटेड कॉपी लेकर आने वाले उम्मीदवार को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अध्यक्ष रेलवे भर्ती बोर्ड। और जो सूचना आया था वो पैरामेडिकल का 3/7/2019 का लेटर है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ इसमें आप लोगों का सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। काफ़ी सारे लोग मेरे को
वीडियो में बोले थे कि कब एग्ज़ाम होगा, कब इसका करेंगे और किस किस कैटेगरी का, तो सभी कैटेगरी के लिए है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया, तो सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक करें जरूर बेल बटन को, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनको भी यह समझ में आ जाए फ्रेंड्स। तो मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत।